प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी सिंधु ताई सपकाल का मंगलवार को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रही सिंधु ताई का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी सिंधु ताई सपकाल का मंगलवार को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थी और दिल का दौरा पड़ने की वजह से मंगलवार को उनकी मौत हो गई। सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। उन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और इस नेक काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री समेत कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सिंधु ताई का महाराष्ट्र के वर्धा जिले के चरवाहे परिवार से संबंध है। सिंधु ताई का बचपन वर्धा में बीता। उनका बचपन बहुत सारे कष्टों के बीच बीता। जब सिंधु 9 साल की थी तो उनकी शादी एक बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दी गई थी। सिंधु ताई ने केवल 4वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने उनके सपने को पूरा नहीं होने दिया। पढ़ाई से लेकर ऐसे कई छोटे बड़े मामले आए जिसमें सिंधु ताई को हमेशा अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई लेकिन अंजाम ये हुआ कि जब वह गर्भवती थी तो ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उनके मायके वालों ने भी अपने यहाँ रखने से मना कर दिया। सिंधु ताई ने दर दर की ठोकर खाई। गर्भावस्था में संघर्ष के बीच उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अकेले एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। अपने गर्भनाल को उन्होंने पत्थर से मार मार कर काटा था। इसके बाद सिंधु ने अपनी बेटी के लिए रेलवे स्टेशन पर भीख तक मांगी। ये दौर उनकी जिंदगी का ऐसा समय था जब सिंधु के मन में हजारों बच्चों की मां बनने का भाव जगा दिया। एक समय ऐसा आया जब सिंधु ताई ने अपनी बच्ची को मंदिर पर छोड़ दिया लेकिन बाद में रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक बच्चा मिला जिसे उन्होंने गोद ले लिया। उनके मन में आया कि इन अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें उठाना चाहिए। सिंधु ताई अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने लगी। हजारों बच्चों का पेट भरने के लिए सिंधु रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगी। उनके इस नेक काम के लिए सिंधु ताई को अब तक 700 से ज्यादा सम्मान मिला है। उन्हें अब तक मिले सम्मान से प्राप्त हुई रकम को सिंधु ताई ने अपने बच्चों के लालन पोषण में खर्च कर दिया। उन्हें डीवाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पुणे की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। उनके जीवन पर मराठी फिल्म भी सिंधु ताई सपकाल बनी है जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जा चुका है। नागपुर से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।